विदाउट हार्ड वर्किंग यू कैन नॉट अचीव योर गोल। हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं आपका परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में पूछा जाता है। परसेंटेज हम बोलते हैं हर वक्त कि हम एक ही एक क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन आपके लिए, ठीक है, आप अगर कोशिश कीजिएगा तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा अगर आप समझ जाएं क्वेश्चन तो, क्योंकि क्वेश्चन ही समझना सबसे बड़ा बात होता है, बाकी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते। चलिए हम लोग बिना समय को बिताए क्वेश्चन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इफ 80% ऑफ ए 50% ऑफ बी। ठीक है, एकदम लिख दिया है साफ साफ। एंड बी एक्स परसेंटेज है, एक्स परसेंट ऑफ ए। देन वैल्यू ऑफ x, तब x का वैल्यू क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो आपको कुछ नहीं, जो गिवन है सॉल्यूशन, जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, यानी a का 80%, b का 50%, ये है ना। इससे ये और ये कट जाता है आपका, और जीरो से जीरो भी कट गया, और फाइव से एट कट गया, फाइव वन जा फाइव, ठीक है, थ्री बच गया, फाइव सिक्स जा थर्टी। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे काट दिए, तो देखिए 80 बाय 100 बराबर 50 बाय 100, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 80 इंटू 100 बाय 100 इंटू 50, 0000, ऐसे कर गया। क्योंकि आपको हम जब परसेंटेज रेशियो पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे कि रेशियो आर इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट काटे, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए यहाँ हम काट के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 8 बाय 5 बचा, तो 8 डिवाइडेड 5, 5 वन जा 5, 3 और एक पॉइंट बैठा के 0, 5 सिक्स जा 31.6 आया। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ये हो गया। आगे देखिए, आगे अब कुछ नहीं करना है, b का वैल्यू निकल गया, यानी b इज इक्वल टू क्या निकला, 1.6 a है। अब बोलता है b परसेंटेज ऑफ x, यानी कि b इज इक्वल टू x बाय, सॉरी परसेंटेज है तो x बाय 100 इंटू a, ये हो गया। तो b के जगह a का वैल्यू, b के जगह b का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6a इज इक्वल टू x बाय 100 इंटू a, यही है ना। a से a आपका खत्म हो गया, सो 1.6 इंटू 100 बाय x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू क्या निकला, 160। वहां पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 160, ये ए नंबर बी नंबर में था 400 और सी नंबर में था 375 था और डी नंबर में था नन। ठीक है, तो ये तो हम निकाल लिए और जो ऑप्शन है वो उस पर आपका क्लिक हो जाएगा, आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस स्टेप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन,
आप देख सकते हैं कि एकदम उसी टेप में ये सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन है और हम जानबूझ के इसी में चेंजेस कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए क्या है इसमें आपका। से देखिए कि बोलता है इफ 70% ऑफ एक्स 50% ऑफ वाई वाई का एंड वाई 8% ऑफ एक्स देन वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, यानी कि ए के जगह हमें आप क्या लिखना है आपको एक्स लिखना है, एक्स लिख दिए ये 70 लिखा जाएगा 70/100। अब बी के जगह पे आपको क्या लिखना है वाई वाई लिखा दिया और ये 100 ठीक है। अब देखिए यहां पे 100 और 100 कट गया, 0 और 0 कट गया, 5 से 7 को डिवाइड कर देते हैं तो 5 1 5 2 0 5 3 50 पॉइंट देखे 15 और ये हो जाएगा 50 सॉरी ये हो जाएगा 5 4 20 क्या हो जाएगा 5 4 20 1.4 एकदम आसानी से आ गया, यानी कि यहां पे लिखेंगे 1.4 एक्स 1.4 एक्स हो गया वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1.4 एक्स। अब इसको मिटा देते हैं, अब बोलता है क्या कि y परसेंटेज ऑफ x, सो y इज इक्वल टू x यही है ना, a यहां आ जाएगा a का परसेंट, सो इसको मिटा दीजिए और जो आपका आया है क्या 1.4 इज इक्वल टू a बाय 100 इंटू x 1.4 x आया है, सो x से x आपका क्या हो जाएगा खत्म कहानी और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140 यानी a इज इक्वल टू 140 कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी से आप बना सकते हैं इस टेप का क्वेश्चन ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन वहां रहेगा 140 तो उसी में 140 में आप क्लिक कर दीजिएगा और आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की जानकारी थोड़ी थोड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाला है, चाहे साइंस हो ग्रामर हो ट्रांसलेशन हो मैथ्स हो एसएसटी हो ठीक है, सभी तरह की जानकारी वो भी छोटी छोटी जानकारी मैं देता हूँ आपको, बड़ी बड़ी जानकारी नहीं बस छोटी छोटी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।